दिल्ली बढ़ जाना आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखने मिल रही है। दिल्ली, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहा जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसकी साइज़ अगर बढ़ जाए, अगर वो सूज जाए, तो हमारी बॉडी पर अलग अलग तरह की समस्याएं सामने आने लगती हैं। तो अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को स्प्लीन बढ़ने की समस्या हो चुकी है, उसकी तिल्ली का साइज़ बढ़ गया है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरान आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि कि आप स्प्लीन का जो साइज है वापस अपने नॉर्मल साइज पर मेंटेन रख सकें और ये जो समस्याएं आपको हो रही हैं उससे आप पूरी तरह छुटकारा पा सकें। तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, हमारी बॉडी में स्प्लीन एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसके हमारी बॉडी में कई तरह के फंक्शंस होते हैं, लेकिन इसका जो मुख्य फंक्शन होता है वो है ब्लड को फिल्टर करना। वैसे तो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का मुख्य काम हमारी किडनीज करती हैं, लेकिन स्प्लीन का काम होता है ब्लड के अंदर जो भी डेड सेल्स हैं या जो डैमेज सेल हैं उनको फिल्टर करना, और साथ ही ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं उनका लेवल मेंटेन करना स्प्लीन का काम होता है। लेकिन कई बार इन्फेक्शन की वजह से, लिवर की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर मलेरिया हो जाने की वजह से स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी में दिक्कतें आने लगती हैं। यानी कि एक बात तो श्योर आप रख लीजिए कि अगर आपकी बॉडी में तिल्ली बड़ी है तो हो सकता है आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई बीमारी ज़रूर है, तो उसका आप चेकअप करवा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको मलेरिया फॉर एग्जांपल डायग्नोज हुआ है, तो डॉक्टर आपको मलेरिया का ट्रीटमेंट ज़रूर देंगे, उसे आपको फॉलो करना है, और उसी के साथ साथ ये जो स्प्लीन है अपने नॉर्मल साइज़ पर आने लगेगा। लेकिन इस दौरान आपका डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि आप क्या खाते हैं वो आपकी बॉडी को रिकवर करने में बहुत मदद करता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपकी तिल्ली बढ़ गई है तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आपको जो मीठी चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए, चाहे वो मीठा कोई जूस हो, कोई सिरप हो, एनीथिंग, कोई कोल्ड ड्रिंक हो, इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई भी मिठाई मिठाई वगैरह चीज़ें होती है वो भी नहीं खानी है। दूसरी चीज़, जो भी फ्राइड फूड्स होते हैं, जो तेल से बनी हुई चीज़ें हैं, उनको अवॉइड करना है, क्योंकि वो ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होते हैं, और अगर लिवर की समस्या है आपकी बॉडी में तो वो और ज़्यादा भार डालेंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, हार्ड फूड जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, मान लीजिए दाल बाटी है, या फिर कोई अगर आप नॉन वेज खाते हैं तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है अगर आपकी तिल्ली बड़ी हुई है तो। अब बात करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए अगर आपकी तिल्ली, अगर आपका जो स्प्लीन है वो बड़ा हुआ है। इस दौरान आपको लौकी का जूस ज़रूर पीना चाहिए। लौकी का जूस बहुत ही फायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कई तरह के मिनरल्स इसमें होते हैं, जो कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है, तो लौकी का जूस बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़ जो कि आप ले सकते हैं इस दौरान वो है हल्दी और तुलसी का दूध। यानी कि आप एक गिलास दूध को उबालने रख दीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दीजिए आधा छोटा चम्मच के बराबर, और उसमें 5-7 तुलसी के पत्ते डालकर उसको पीजिए। यह आपकी बॉडी को हील करने में बहुत मदद करता है। साथ ही जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि बनाना है, जो केला होता है, सेब होता है, ये चीज़ें आपको बहुत खानी चाहिए। जो जितने भी ज़्यादा फल सब्जियां आप खाएंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, बथुआ, या फिर आप ब्रोकली ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, एनीथिंग, जो भी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खाएंगे आपकी बॉडी को बहुत सपोर्ट मिलेगा, डाइजेशन स्ट्रांग होगा और आपकी बॉडी जल्दी रिकवर कर पाएगी। इसी के साथ ही आप चावल ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं जिसे अखरोट बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, वॉलनट और फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी के दाने बोलते हैं, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि एक हेल्दी फैट है हमारी बॉडी के लिए, और ये हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो इसे आपको ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जल्द से जल्द रिकवर हो सके। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कि आपको अगर तिल्ली बढ़ने की समस्या है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि आप अपनी समस्या का पूरी तरह छुटकारा पा सकें। लेकिन मेन, अगर आपको मेनली चाहिए कि स्प्लीन आपका सही हो जाए, तो आपको रूट कॉज तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा कि किस वजह से आपकी तिल्ली बढ़ी है, क्या मलेरिया है या किसी तरह का इन्फेक्शन है या कोई भी कारण अलग हो सकता है, तो उसके लिए एक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और ये जो डाइट प्लान मैंने आपको बताया, मेनली मुख्य तरह
आपको सादी चीज़ों पर ध्यान रखना है, जो हैवी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी स्प्लीन के इनलार्जमेंट के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।